स्वामी जी। देखिए, वास्तविकता में राजीव जी, ये पदयात्रा ने ये बता दिया है कि लोकतांत्रिक रूप से चुना हुआ जो मंत्री या प्रधान है वो राजा नहीं है। हमने उनको चुना है और उनको हमारे पास आना पड़ेगा और हमारे साथ रहना पड़ेगा। मन की बात आप नहीं करेंगे, मन की बात जनता करेगी और मन की बात जो जनता करेगी आपको सुनना पड़ेगा। अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। उसके अनुसार जब आप पहला रसगुल्ला खाते हैं आपको बहुत अच्छा खाते हैं, ठीक लगता है, तीसरा खाते हैं उबने लगते हैं, और जब पांच रसगुल्ले खा लेते हैं उबकाई आने लगती है, आप खा नहीं पाते। यह धर्म का विद्वेष का एक प्रपंच इन लोगों ने खड़ा किया था। देखिए, ये समझ में आ गया है हिंदुस्तान की जनता को, पदयात्रा से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, हमारा धर्म खतरे में नहीं है। हिंदू धर्म और सनातन धर्म कभी खतरे में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सनातन है। ये अंग्रेजों के जमाने में भी खत्म नहीं हो पाया, ये मुगलों के शासन में भी नहीं खत्म हो पाया, ये विश्व में कहीं खत्म नहीं हो पाया। तो भारत में जहां 80% हिंदू रहते हैं और जहां हिंदूवादी तथा कथित हिंदूवादी सरकार है, तो वहां हिंदू कैसे खतरे में आ गया? देखिए, वास्तविक बचपन में एक कहानी सुनी होगी अपने दादी नानी से कि एक बुढ़ी थी गांव में, वो कहती एक बार उसने कहा कि शेर आया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अगले दिन फिर उसने कहा कि शेर आया, 10 लोग इकट्ठे हुए। तीसरी बार कहा, कोई इकट्ठा नहीं हुआ। अब जनता को धीरे धीरे यह समझ में आ गया है कि हमारा धर्म खतरे, हमारा रोजगार खतरे में है, हमारे बच्चे जिनको रोजगार नहीं मिल रहा वो खतरे में है, हमारी बेटियां जिनको रेप करके और जला दिया जाता है रात के अंधेरे में किरोसिन छिड़क कर, वो खतरे, हमारे किसान खतरे में हैं जिनको 1.25 साल तक दिल्ली के चारों तरफ कटीले तारों से घेर दिया जाता है, वो हमारे वो सैनिक खतरे में हैं, हमारे वो जवान खतरे में हैं जिनकी एक टुकड़ी के अंदर एक गाड़ी घुस जाती है आरडीएक्स लेके और उन विस्फोट कर देती है और हमारे 20 सैनिकों की शहादत हो जाती है और आज तक ये नहीं पता चलता कि वो आरडीएक्स आया कहां से। तो देश की जनता जो बेरोजगारी में, भुखमरी में, महंगाई में तड़प रही है, तो वो ये समझ गई है कि ये धर्म का जो खतरे की बात की जा रही है ये एक प्रकार का पाखंड है। और वास्तव में न धर्म खतरे में है, न धर्म कभी खतरे में था, हमारा रोजगार खतरे में है। और ये जो धान भटकाने की बात हुई है, तो राहुल गांधी जो ये पैदल चल रहे हैं और हर जात के लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हम मिलजुल के अगर रहेंगे तो हिंदुस्तान प्रगति करेगा, विश्वगुरु बनेगा, और आपस में आप लड़ेंगे और लड़ाने वाली शक्तियों को हम साथ देंगे तो देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान तो हो चुका है, लेकिन अभी भी अगर हम चेत जाएं, अभी भी सारे धर्म और संप्रदाय और जाति के लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लें और हम ये कसम खाएं कि 1962, 1965 और 1971 में जिस तरह हम मिलजुल कर लड़े थे और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने भारत की सेना का साथ दिया था और भारत के प्रधानमंत्री का साथ दिया था, बट के हम आगे नहीं बढ़ सकते। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमको मेलजोल करना पड़ेगा, आपस में मिलना पड़ेगा। और राहुल गांधी की पदयात्रा ने, अब ये पदयात्रा करें, और पदयात्रा तो मैं तो चाहूंगा कि अमित शाह जी हैं और संबित पात्रा जी हैं और नड्डा साहब हैं, ये 25 किलोमीटर 5 दिन तक चल लें। और अगर ये 5 दिन तक 25 किलोमीटर इसी प्रकार से चलेंगे और जैसे राहुल गांधी पुशअप कर रहे हैं 7-8 साल के बच्चे के साथ और ये दिखा रहे हैं कि उनके अंदर जितना जोश खरोश है, अगर ये पुशअप कर लेंगे, अगर ये 25 किलोमीटर रोज चल लेंगे, पता जाएगा कि शायद ये भी जनता से जुड़ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में एक नई दिशा दिखा दी है राहुल गांधी ने, देश की राजनीति को एक नई दिशा दिखा दी है, पूरे विश्व को एक दिशा दिखा दी है। पूरे विश्व में आपको पता होगा कि किस प्रकार की यात्राएं भारतीय वहां निकाल रहे हैं और विश्व में एक संदेश जा रहा है कि भारत जो एक प्रकार का विश्व गुरु था अपनी एक परंपरा के अनुसार से और विश्व बंधुत्व के नाम पे, हम उस पे अडिग हैं और हो सकता है कि 2024 के बाद हम दोबारा उस रास्ते पे चलें और ये जो भटकाव की और विद्वेष की और लड़ाई झगड़े की पूरी राजनीति है इसका खात्मा होगा और भारत एकजुट होकर आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु बनेगा। राजीव जी, बिल्कुल।